हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पालक एंड कॉर्न का सैंडविच, और ये काफ़ी फेमस है कॉफ़ी डे में। इसे अगर आप ऑर्डर करोगे तो 250 to 300 अराउंड आपको कॉस्ट डलेगा, बट आप घर पे बना सकते हो सिर्फ एंड सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर। तो सबसे पहले आपको चाहिएगा एक फुल कॉर्न। मैंने स्वीट कॉर्न यहाँ पे लिया है और इसे मैंने पील कर लिया है। आपको इसे कट नहीं करना है, अगर आप कट करेंगे तो इसका टेस्ट चला जाएगा। इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। इसमें आपको नमक भी नहीं डालना है। जैसे ये बॉईल हो जाते हैं इसे फिल्टर करके बगल में रख लीजिए। सेम इसी पैन में आप डाल लीजिए 10 से 20 ग्राम बटर। बटर डालने के बाद पालक को मैंने बहुत ही पतला पतला काट लिया है। यहाँ पे मैंने एक पूरी गड्डी पालक ली है और इस पालक को अब हम इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। अब आप फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम में रख लीजिए और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अगर आप हाई फ्लेम में रख के इसे फ्राई करेंगे तो ये कड़वा बन जाएगा, और लो टू मीडियम फ्लेम में रखेंगे तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा। जैसे ही इसका पानी एवोपरेट हो जाए इसमें आप डाल दीजिए कॉर्न, और कॉर्न में से भी थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ होता है, तो थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद इसका पानी भी एवोपरेट हो जाए तब आप इस कॉर्न को सेपरेट प्लेट में रख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्न एंड पालक हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब सेम इसी कढ़ाई में हम लेंगे 10 से 20 ग्राम बटर, और बटर जैसे मेल्ट हो जाए इसमें आप ऐड करना 1/2 चम्मच मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे जलाना नहीं है हमें, बहुत ही लाइट ब्राउन तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। अगर आपको सॉस और ज़्यादा चाहिए तो 1 स्पून मैदा भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे अच्छे से क्रीमी टेक्सचर हमें देनी है। तो दूध डालने के बाद ये थिक होता जाएगा, इसे आप अच्छे से मिक्स करते जाइए। सो 3 to 4 टाइम्स मैंने इसमें दूध डाला है, थोड़ा थोड़ा 2 से 3 चम्मच। तो जैसे ही क्रीम हमारी बन जाएगी इसमें हम ऐड करेंगे चीज़, और यहाँ पे मैं नॉर्मल चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ, और एक और स्लाइस में डाल रही हूँ शेडर का। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। इन दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप मिक्स करेंगे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही थिक हो चुका है। इस स्टेज पर आप कॉर्न एंड पालक दोनों ऐड कर देना, और जैसे आप ऐड करो इसमें आप ऐड करना 1/2 चम्मच पेपर, 1 चम्मच ओरिगानो, उसके बाद 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लेना, और जैसे आप मिक्स करेंगे तो नमक को टेस्ट कर लेना, क्योंकि हमने शेडर चीज़ और बटर का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। तो चीज़ का इस्तेमाल किया इसलिए टेस्ट करने के बाद आप नमक का इस्तेमाल करना। यहाँ पर मैंने 1/2 से भी बहुत ही कम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। अब हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छा रेडी हो चुका है। इसे 5 से 10 मिनट तक चलाना, और जैसे ही ये सारे सॉसेस एंड चीज़ मिक्स हो जाते हैं इसे बगल में रख दीजिए। अब हम एक पैन लेंगे, पैन के ऊपर हम 6 इंचेस वाला बन लेंगे और सैंडविच बन, और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद एक साइड हम इसे जला लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं इस पर थोड़े से मार्क्स आ चुके हैं। इसके बाद पीछे के साइड भी आपको इस तरीके से हल्के से मार्क्स आने तक वेट करना है। उसके बाद थोड़ा सा बटर इसके ऊपर अप्लाई करके इस तरीके से इसे फिर से टर्न कर लीजिए। तो आगे के साइड हमें बिल्कुल भी बटर नहीं लगाना है, क्योंकि आगे के साइड हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सिर्फ 1 मिनट में आप निकाल देना, वरना ये बैक साइड जल जाएगा और बहुत ही हार्ड हो जाएगा, खाते वक्त अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चीज़ स्लाइस, सिर्फ एक, उसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रख दिया है। अब जो मिक्सचर हमने बना के रखा था गरम गरम, वो आप इसके ऊपर रख देना तो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। बस दोस्तों इतना ही था। बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल देन टेक केयर। अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो एक फ़ोटो क्लिक करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल देन टेक केयर। बाय बाय।